बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ तीन को पढ़ेंगे। पाठ तीन का नाम है शूल पाणी, जो एक घटना से संबंधित है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। शूल पाणी क्या है, किसी का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, इस कहानी के माध्यम से हम पता करते हैं। देखिए, शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्थिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुंचे। विहार का मीनिंग क्या होता है? घूमना। चैत्य क्या होता है? आश्रम, जहां पर व्यक्ति आकर के रुकते हैं। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, तभी उन्हें महावीर भगवान के आगमन का समाचार मिला। आगमन मीन्स आने का समाचार। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे, उसी में शूल पाणी नामक एक क्रूर नर पिशाच रहता था। क्रूर माने निर्दयी, नर पिशाच माने दुष्ट व्यक्ति। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। शूल क्या होता है? कांटा, मतलब कांटे जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूल पाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था। सर्प होता है सांप था, जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। चैत्य किसका नाम था? आश्रम का नाम। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। रमणीक माने सुंदर, उपवन माने बगीचा। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहां सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। एकत्रित माने इकट्ठे हो गए। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश मीन्स धर्म का उपदेश। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नर पिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है, वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अहित मीन्स मेरा कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूल पाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। आंखें लाल होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूल पाणी ने कौशिक नाग से कहा, कौशिक ये एक सांप का नाम था जो किसके पास रहता था? शूल पाणी के पास। तुम इस दुष्ट आत्मा को काट लो। कौशिक फुंकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? भगवान महावीर की अमृतवयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। मतलब सर्प जो है वो भगवान महावीर के वश में हो गया। वह जहां का तहां रुक गया। शूल पाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने से क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है?
मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। देखिए ये कहानी है, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा मैं समझती हूँ इसको पढ़ते पढ़ते। आगे क्या है, शूलपाणि ने अपना शूल उठाया, जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणि धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणि घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ, उपचार में इलाज करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने जड़ी बूटी खोज ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणि का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे न बचाएं, यह अत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणि कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणि का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणि स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे, मतलब मेरा जितना ज्ञान है, जितना मुझे पता है, उसी के अनुसार मैं कर देता हूँ, अतः आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध, मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहें सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, मतलब बेटा उठो, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। मतलब जो व्यक्ति सच्चे मन से किसी भी पाप का प्रायश्चित में पश्चाताप करता है, वह उसकी सजा होती है। मतलब जो व्यक्ति अपनी गलती मान ले, सबसे बड़ी उसका प्रायश्चित उस गलती को स्वीकार करना ही होता है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दे, मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा, शूलपाणि ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स आज से तुम मेरे शिष्य हुए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणि का जीवन दर्शन ही बदल गया। जीवन दर्शन में उसके जीवन की देखने का जो भी तरीका था वो सब बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है बच्चों, ये जो कहानी है ये कहीं से किसी बुक से ली गई है, तो मैं समझती हूँ आपको इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिली है, क्या सीखा है। हमने सीखा है सेवा, करुणा, अहिंसा तथा दया आदि मानवीय मूल्यों को अंगीकृत करना, मतलब उनको अपने अंदर स्वीकार करना, दूसरों की मदद करना, अपनी गलती के लिए माफी मांगना। हमसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए उसके लिए हमें जरूर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी गलती स्वीकार करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। अगर गलती हो भी जाए तो हमें उसे जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, तो मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।